जय माँ अम्बा देवी। ये माँ अम्बा का मंदिर है, छोटी अम्बा माई के नाम से माता जी को जाना जाता है। और ये पांडव कालीन माँ अम्बा देवी का मंदिर है। यहाँ के जो राजा थे इस विदर्भ, जो विदर्भ है हमारा मध्य प्रदेश का, यहाँ के जो राजा थे शिशुपाल, उनकी कुलदेवी के रूप में भी माता जी का पूजन होते रहा है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर माता रानी के मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। तो माता रानी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। और छोटी अम्बा माई का दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भक्त लोग ऊपर बड़ी माँ अम्बा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग भी माता रानी के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। ये धारूढ़ ग्राम में माता रानी का मंदिर है। जय माता रानी। दोस्तों, साथ में जब आप अम्बा माई दर्शन के लिए आओगे तो पहला स्थान ये पड़ेगा छोटा अम्बा माई, और यहाँ से जब बड़े अम्मा माई के लिए प्रस्थान कर सकते हो। पहले छोटी अम्मा माई के दर्शन करने के बाद में फिर उसके बाद में आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी वाहन आपके सामने खड़े होते हैं। और ये माता रानी के दर्शन के बाद ही आप आगे जा सकते हो। ठीक। जय महाराज जी हैं, मुकेश महाराज कहते हैं इन्हें। ये यहाँ पे पूजा उजा करते हैं और माता रानी के इसी मंदिर में रहते हैं। ये भी हमारी अम्बा माई हैं, अम्बा देवी माता हैं, और ये बोल नहीं पाते हैं लेकिन माता रानी का पूजन उजन और पूरा विधि विधान के साथ करते हैं। यही उनका जीवन समर्पित है इस माता रानी के लिए। और ये पांडवकालीन माँ अम्बा देवी का मंदिर है। आप देख भी सकते हो माता रानी के मंदिर में ज्योति भी जल रही है। और ये माता रानी के आज 29 अक्टूबर है और हम यहाँ माता रानी के दरबार में लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच पहुँच चुके थे। हमने स्नान किया और फिर माता रानी की पूजा करने के लिए आए हुए हैं, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। माँ अम्बा की महिमा बड़ी निराली है। मुझे 22 वर्ष के बाद माँ के दरबार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तभी से मैं माँ के दरबार में आ रहा हूँ। और इस माता रानी की एक बड़ी विशेषता है जो इसे भक्त बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है और जो इसकी सेवा करने का इच्छुक होता है, उसे माता स्वप्न देकर, भले दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे स्वप्न बार बार माता के आते हैं और वो माता के दर्शन के लिए आता है। और ऐसी एक मेरी भी कहानी है कि 22 वर्ष की जो उम्र हुई थी उस बार मुझे बहुत ज़्यादा एक गुफा दिखती थी, माता दिखती थी, और माता के दरबार आने के बाद मेरे जीवन का मानो उद्धार हो गया। इस माँ ने मुझे जो जो दिया है जिसकी कल्पना मैं कर नहीं सकता। आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप के माध्यम से मेरी जो एक्टिविटी देखते हो सब मेरी इस माँ का करिश्मा है। और मैं कितना भी कहूँ कि मैं माँ के दरबार उस समय आऊँगा लेकिन जब माँ को बुलाना रहता माँ बुला ही लेती है। माँ की महिमा अपरंपार है और माता की कृपा से मुझे इतना कुछ मिला है कि ना मेरे पास कोई समस्या है, ना मेरा कोई शत्रु है, और माँ जो भंडार मेरे भरते आ रही। बस माँ का मैं यही चाहूँगा कि जिंदगी भर श्रीधर पंडित जैसे, ध्यानुभक्त जैसे अपनी आजीविका चलाते हुए माँ की महिमा का इस विश्व भर में प्रचार करो। और ना मुझे ये धाम चाहिए, मैंने मेरी मेरे घर पे भी मेरे रूम में माता रानी का एक विग्रह रखा हुआ है। उस विग्रह की मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, जब भी मेरा मन करता है माँ की पूजा करता हूँ। बस यही माता रानी का मैं आप सभी लोगों से भी चाहता हूँ कि एक बार इस धारूल वाली माता के धाम, अम्बा देवी माता के धाम, शेरों वाली माता के धाम जरूर आइए।